दोस्तों आज हम वास्तु में बात करने वाले सेवन रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग के बारे में। दोस्तों बहुत ज्यादा एक ट्रेंड चल रहा है सेवन रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग लगाने का घर में, तो और 90% घरों में मैंने देखा है, ऑफिसेज में हम विजिट करते हैं, घरों में विजिट करते हैं, 90% लोगों ने वो पेंटिंग गलत लगा रखी होती है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कैसी, किस टाइप की आपको पेंटिंग इस्तेमाल करनी है, कौन सी दीवार पे लगानी है, और उसमें जो सेवन रनिंग हॉर्सेस हैं उनका फेस कैसे होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हमने नोटिस किया है पेंटिंग्स में कि तीन हॉर्सेस तो उधर देख रहे हैं, चार हॉर्सेस इधर देख रहे हैं, या दो उधर को जा रहे हैं, तीन इधर जा रहे हैं, एक सामने दिख रहा है। इस टाइप से बहुत सारी पेंटिंग्स हमने देखी है दोस्तों, तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो इसमें कौन से वाली पेंटिंग ठीक है और कौन से वाली पेंटिंग आपको अपने घर में, ऑफिस में, या कौन सी पेंटिंग आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, इस सेवन रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग का किसी भी वास्तुशास्त्र के ग्रंथ में या किसी भी बुक में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी भी ग्रंथ में इसका विवरण नहीं दिया गया है। और सेवन रनिंग हॉर्सेस सिर्फ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पेंटिंग पॉजिटिव होती है, ये आपको स्ट्रेंथ देती है, ये आपको मोटिवेट करती है, और ये आपको ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है दोस्तों, इसीलिए इस पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इस पेंटिंग को आपको कौन सी दीवार पे लगाना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार सेवन रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग को आपको दक्षिण की दीवार पे लगाना चाहिए, और इसमें जो घोड़े होंगे, इसमें जो हॉर्सेस होंगे, उनका फेस हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। सभी हॉर्सेस का फेस पूर्व दिशा की तरफ होगा दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी पेंटिंग में आपकी कि आपके दो हॉर्सेस कहीं और देख रहे हैं, तीन हॉर्सेस कहीं और देख रहे हैं, बाकी हॉर्सेस कहीं और देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको जो पेंटिंग अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी अगर आप लगा रहे हैं, तो इस बात का गौर करेंगे कि वो पेंटिंग एक ही साइड देखते हुए होनी चाहिए दोस्तों, और 90% ट्राई करें कि वो ईस्ट की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हॉर्सेस देखते हुए नहीं होने चाहिए दोस्तों। और आपको ऐसा भी नहीं करना कि वो सामने देख रहे हों, साउथ वाली वॉल पे आपको वो पेंटिंग लगानी है और ईस्ट की तरफ देखते हुए लगानी है दोस्तों। अब हम जानेंगे दोस्तों किस टाइप की आपको पेंटिंग लगानी है। दोस्तों कभी भी उस पेंटिंग में हॉर्सेस, बहुत बार हमने देखा है एक हॉर्सेस गुस्से से में भाग रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉर्सेस में एंगर नहीं दिखना चाहिए उस पेंटिंग में दोस्तों, या बहुत ज्यादा धूल उड़ रही होती है कि पीछे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और आगे धूल उड़ रही है, ब्राउन कलर की पूरी पेंटिंग होती है, उसमें घोड़ों का भी अलग अलग कलर होता है, इस टाइप की पेंटिंग का इस्तेमाल ना करें दोस्तों, जिसमें थोड़ा सा भी एंगर दिख रहा हो। आपको बहुत ही ज्यादा शांत पेंटिंग लेनी है जिसमें एंगर ना हो, और उस पेंटिंग में धूल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। धूल आपको क्लैरिटी नहीं आने देगी कभी भी लाइफ में, तो इसीलिए आपको जो पेंटिंग इस्तेमाल करनी है साउथ वाली वॉल पे लगानी है, वो पेंटिंग एक ही साइड देखते हुए हॉर्सेस लगाने हैं और वो पूर्व की दिशा की तरफ देख रहे हो दोस्तों। दक्षिण की दीवार पे अगर आप लगा रहे हैं उस पेंटिंग को, और उन हॉर्सेस का कलर ब्राउन के टोन में होना चाहिए, जो नेचुरल कलर होता है हॉर्सेस का, उस टाइप का कलर होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगर आपके पास व्हाइट हॉर्सेस वाली पेंटिंग है। दोस्तों व्हाइट हॉर्सेस वाली पेंटिंग साउथ वाली दीवार पे आपको नहीं लगानी, आपको व्हाइट हॉर्सेस की पेंटिंग ईस्ट वाली वॉल पे लगानी है दोस्तों। पूर्व की दिशा में आप लगाएंगे व्हाइट हॉर्सेस वाली पेंटिंग, और इसमें भी आपको दो बातों का ख्याल करना है कि उन व्हाइट हॉर्सेस की पेंटिंग में आपको कहीं भी धूल नजर नहीं आनी चाहिए, और ना ही उस पेंटिंग में पीछे पहाड़ होने चाहिए दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं पेंटिंग लगाते हुए लोग कि पीछे उसमें पहाड़ होते हैं और पूर्व वाली दीवार पे उस पेंटिंग को आप लगा लेते हैं। दोस्तों ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में कभी भी वेट नहीं होना चाहिए, और जो पहाड़ है, माउंटेन्स है, वो वेट को दिखाते हैं दोस्तों, वो आपको स्ट्रेस देंगे, वो आपका फेम और नेम नहीं बढ़ने देंगे दोस्तों, वो आपकी ग्रोथ को रोकेंगे। तो जो फायदा, जो पॉजिटिविटी आपकी पेंटिंग से आपको मिलनी चाहिए,
वो आपको नहीं मिलेगी। और उस पेंटिंग में आपको गौर करना है, वो जो ईस्ट वाली वॉल पे आप व्हाइट हॉर्सेस की पेंटिंग लगा रहे हैं, वो हॉर्सेस आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हो दोस्तों, वो भी आपको कहीं और देखते हुए नहीं लेने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीन हॉर्सेस ईस्ट की तरफ देख रहे हैं और चार हॉर्सेस साउथ की तरफ देख रहे हैं, या तीन हॉर्सेस वहां देख रहे हैं, तीन इधर देख रहे हैं और एक सामने देख रहे हैं। ऐसी पेंटिंग नहीं लगानी दोस्तों। तो अगली बार जब भी सेवन रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग लगाएं दोस्तों, इन वास्तु की टिप्स का जरूर ध्यान करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।